दिल्ली की सुल्तान गुलाम वंश की अंतिम शासक कयूम की हत्या कर जलालुद्दीन सुल्तान बन गया और सुल्तान बनते ही 1291 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। हमीर देव ने उसे आसानी से हराकर खदेड़ दिया। 1292 में उसने फिर से हमला किया लेकिन हमीर देव ने उसे दोबारा दौड़ा दौड़ा कर मारा। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी को फिर से दोबारा रणथंभौर पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। 1296 में जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर खुद सुल्तान बन गया। सुल्तान बनने के बाद उसने 1298 में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ को लूटा। वापसी में उसने अपने सेना नायक उलगू खान को रणथंभौर पर हमला करने का आदेश दिया। इस लड़ाई में भी हमीर देव ने खिलजी की सेना को मार भगाया और गुजरात के लूट का माल और हथियार भी छीन लिया। और उस पैसे से हमीर देव ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और पुष्कर के ब्रह्मा जी मंदिर का पुनरुद्धार किया। आगे की दिलचस्प कहानी आप फर्स्ट कमेंट में पढ़ सकती हैं कि कैसे बदला लेने आई खिलजी की सेना को गाजर मूली की तरह काटा।